हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इससे एक्सरसाइज करने से पहले आप एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सरसाइज है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो पहले तो हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रीड की है कॉस टू एक्स की। कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइंस स्क्वायर ऑफ एक्स। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइंस स्क्वायर की। तो साइंस स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2 एक्स। और साइंस स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये आपने याद रखनी है, साइंस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2। अगर कॉस स्क्वायर हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास है 1 माइनस कॉस ऑफ 2। अब एंगल क्या है, 2x+5, तो हम एंगल 2x+5 ही यूज़ करेंगे और डिवाइड में 2। और ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर तो हमारे पास क्या है, 1 dx -1/2। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4x+10 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन है हमारे पास x, और cos की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ 4x+10, और x का कोफिशियंट 4, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास 1/2x 4 × 2 8 साइन ऑफ 4x+10। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन 3x और कोस 4x। ठीक है, अब हमारे पास साइन ए साइन कॉस बी की आइडेंटिटी थी। साइन ए, यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए बी फॉर्मूला, साइन ए कॉस ऑफ बी। इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में 2। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, 3x है, और बी क्या है, 4x है। 3x+4x 7x, और प्लस साइन ऑफ 3x-4x, तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव एक्स। अब हमारे पास साइन ऑफ नेगेटिव थीटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन के। तो यहाँ से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ 7x -1/2 इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स। अब साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव कॉस। तो यहाँ कॉस साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस 7x, और एक्स का कोफिशियंट क्या है, 7। और यहाँ साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस था, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉस ऑफ एक्स। तो हमारे पास 7 × 2 = 14, 1/14 कॉस ऑफ 7x, और प्लस 1/2 कॉस ऑफ एक्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कॉस 2x, कॉस 4x और कॉस 6x। तो हमने क्या करना है, पहले जो ए बी फॉर्मूला वो तो 2 पर अप्लाई होता है, दो वैल्यू पर, ये लेकिन ये 3 है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 2 पर अप्लाई कर देंगे, फिर बाद में जो एक रह जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉस 6x है, इसे फिर कॉस 4x और फिर बाद में कॉस 2x को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए बी फॉर्मूला क्या है, कॉस ए और कॉस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे, कॉस 6 और कॉस 4x पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 6+4 कॉस ऑफ 10x, और प्लस कॉस ऑफ 6-4 कॉस ऑफ 2x डिवाइड में 2। और बाहर हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट, पहले तो 2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। अब कॉस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ऑफ 10x कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ 2x। अब यहां तो फिर यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वेयर ऑफ 2x है। तो हमारे पास कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या है,
टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन, लेकिन हमें क्या है कॉस स्क्वायर एक्स की चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव वन इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू। अब हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर टू एक्स है और ये आइडेंटिटी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स की है, तो यहाँ एंगल डबल कर दो, तो कॉस स्क्वायर ऑफ टू एक्स जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर टू एक्स की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वन प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइड बाई टू। अब हम इसे अप्लाई करते हैं, पहले तो यहाँ ए बी की आइडेंटिटी, ए बी फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी, टेन प्लस टू क्या हो जाएगा 12, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2। अब कॉस स्क्वेयर 2x की आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड में 2। क्लियर। अब आगे 1 बाय 2 कॉस ऑफ 12x डिवाइड बाई 2, कॉस ऑफ 8x डिवाइड में 2, 1 बाय 2 और कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाई। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले हम कॉस 12 की करेंगे, कॉस 12 की इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइड में एक्स का कोफिशियंट 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह कॉस 8x की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 8x डिवाइड में 8, एक्स का कोफिशियंट 8, और 1 बाय 2 की इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है तो इसके साथ x। इसी तरह कॉस 4x की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x डिवाइड में 4 और प्लस सी। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 बाय 2 12 इंटू 2 24 साइन ऑफ 12x, 8 इंटू 2 16 साइन ऑफ 8x, प्लस 1 बाय 2 एक्स, प्लस 4 इंटू 2 8 साइन ऑफ 4x प्लस सी। ठीक है, आप इसमें से 1 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 बाय 2, देखो डिवाइड में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालो, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 बाय 4, यहाँ 2 कॉमन निकालोगे तो 12 साइन ऑफ 12x, यहाँ क्या आ जाएगा 8 साइन ऑफ 8x, यहाँ x और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय 4 साइन ऑफ 4x। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास साइन क्यूब एंगल है 2x प्लस 1। अब यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास साइन 3x की क्या आइडेंटिटी है, 3 साइन एक्स प्लस माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स, हमें वैल्यू साइन क्यूब की चाहिए, ये साइन क्यूब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 साइन एक्स और ये साइन 3x इधर जाके नेगेटिव, अब 4 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 3 बाय 4 साइन एक्स, 1 बाय 4 साइन 3x। अब इस वैल्यू को यहाँ फिल कर देंगे, हमारे पास साइन क्यूब 3 बाय 4 और एंगल 2x प्लस 1 है, यहाँ x है तो हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या नेगेटिव 1 बाय 4, अब एंगल किसके साथ मल्टीप्लाई है 3 के साथ, तो ये एंगल भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2x प्लस 1। अब इन ये डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया 3 बाय 4 साइन ऑफ 2x प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बाय 4 साइन ऑफ 3 इंटू 2 6x प्लस 3 डी एक्स। अब इनकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है नेगेटिव कॉस और 2x का डेरिवेटिव 2, यहां साइन की इंटीग्रेशन क्या है नेगेटिव कॉस और 6x का एक्स, 6x का कोफिशियंट हमारे पास क्या है 6, तो 4 इंटू 2 8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1, 6 इंटू 4 24 कॉस ऑफ 6x प्लस 3। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने क्या किया साइन 3x साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एंगल हमने 2x प्लस 1 फिल कर दिया, तो फिर या इसकी हमने क्या कर दी इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल, बस आपने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद रख लेनी है,
तो उससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सरसाइज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो हम इसे ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आ गया सॉल्व, तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कर दो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करके। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब, क्योंकि दोनों की पावर क्यूब है तो हमने होल का क्यूब कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, टू के साथ मल्टीप्लाई और टू के साथ डिवाइड, क्योंकि हमारे पास, हमने टू के साथ क्यों किया, क्योंकि टू साइन एक्स और कॉस एक्स ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ टू एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन ऑफ टू एक्स। तो यहाँ हमारे पास आ गया साइन ऑफ टू एक्स डिवाइड बाय टू होल का क्यूब। तो 1/2 का क्यूब क्या आ गया, 1/8, और यहाँ क्या आ गया, साइन ऑफ क्यूब 2x डिवाइड में 8। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ क्यूब 2x। अभी हमने साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी यूज़ की है, साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी क्या है, 3/4 साइन ऑफ एक्स नेगेटिव 1/4 साइन ऑफ 3x, यही आइडेंटिटी अब यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ एंगल क्या था, सिंपल एक्स था, यहाँ क्या है, 2x था, तो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 2x। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4 साइन ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, एंगल 2x, माइनस 1/4 साइन ऑफ 3, और एक्स क्या है हमारे पास, 2x, ठीक है। तो हमारे पास 1/8 3/4 साइन ऑफ 2x और माइनस 1/4 साइन ऑफ 3 × 2 हमारे पास क्या आ गया, 6x। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 = 32। इंटीग्रेशन हमने क्या करनी है, साइन 2x की, और 8 × 4 = 32, तो इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, 6x की, साइन 6x की। अब साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या है, नेगेटिव कॉस 2x डिवाइड में 2, और साइन 6x की आइडेंटिटी क्या है, नेगेटिव कॉस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस 6x डिवाइड में 6। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 × 2 = 64, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3/64 कॉस ऑफ 2x। 32 × 6 हमारे पास क्या आ गया, 192 कॉस ऑफ 6x प्लस सी। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।